हेलो हेलो हेलो, नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे रहें हमेशा, और दुआ है। और सुबह सुबह मैं उठी और नहा धो के फिर आ चुकी हूँ। एक मुझे काम था तो बैंक वैंक का कुछ काम था तो वहाँ पे आ गई हूँ ऑफिस में। और अभी मुझे काम रहेगा बहुत देरी तक का। ये काम मैं कम से कम 2-3 महीने से करवाना चाह रही थी लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ था। और बैंक का ही काम है, मैं उतना बता नहीं सकती हूँ। तो ये काम आज करवा लूँ तो मुझे छुट्टी मिल जाए। और बाल मेरे पूरे बिखर चुके हैं, बाइक से आ रही थी तो पूरे बाल बिखर चुके हैं और इधर उधर पूरा हो चुका है। और मैं इधर उधर नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ इसीलिए, क्योंकि फिर अपना ही फेस रिकॉर्ड कर रही थी और आसपास इधर मेरे सर्दी बहुत हो चुका है। फिर यहाँ का काम फिनिश करके सीधा घर जाएंगे। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे घर। घर पे आके फिर नहाया है, नहा के कपड़े चेंज किए हैं। कपड़े चेंज करने के बाद मैं यहाँ बिस्तर उस्तर साफ़ कर रही थी क्योंकि मैं सुबह ही निकल चुकी थी 8 बजे के लगभग लगभग। तो आते आते मुझे 12 बज गए। फिर इसके बाद मैंने चद्दर में धुल के गई थी, सुबह ही धुल के गई थी क्योंकि गंदा हो जाता है, मिट्टी उट्टी लगती है, यहाँ पे फर्श नहीं है। तो मैंने ऐसे ही वॉश नहीं किया था, बस ऐसे ही धुल के ऐसे ही टांग दिया था। तो बिस्तर उस्तर लगा देंगे। बिस्तर उस्तर लगाने के बाद मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं क्योंकि कपड़े प्रेस रहते हैं ना तो रखने में आसानी होती है। ऐसे फैला रहता है, कपड़े प्रेस करके आप रखेंगे तो आपका कपड़ा एकदम सही से भी रहता है, चमक भी बनी रहती है और कपड़े अच्छे भी लगते हैं देखने में, वो बात ही अलग रहती है। तो ये मैं तकिया का खोल लगा रही हूँ, तकिया का खोल लग जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसको रख देंगे बेड पे ही। और मैं तो तकिया के लगाती नहीं हूँ इसीलिए बस रख देती हूँ बस, ये तकिया के बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं अब बोर्ड लगा रही हूँ, बोर्ड लगाऊँ क्योंकि वहाँ तक पहुँचता नहीं है वो वायर, वायर नहीं पहुँचता उसका प्रेस का, इसीलिए मुझे बड़ा वाला बोर्ड लगाना पड़ता है, रोल वाला जो बोलते हैं, उसका नाम नहीं मुझे पता, मैं वैसे ही बोलती हूँ। तो उसको लगा देंगे। अब कपड़े में छाट रही हूँ सारा, पूरा उठा के ले आई थी जो सूख गया था बाहर से, तो उठा के ले आई थी नहा के। और फिर उसके बाद सारा कपड़ा मैं अलग कर रही हूँ, कौन सा प्रेस करना है कौन सा नहीं प्रेस करना है। तो सारा कपड़ा अलग करके फिर प्रेस कर लेंगे इसको अच्छे से। और मैं घर का सामान सही कर रही हूँ, सही करने के बाद अब आप सीधा प्रेस करेंगे कपड़ा। और ये मैं बैठ गई अपने कपड़ा लेकर, पूरा ढेर सारा प्रेस करूँगी अलमारी में पूरा। वहाँ पर मैंने शीशा पे एक दुपट्टा लगा रखा है वाइट कलर का क्योंकि बहुत गंदा होता है, और गंदा बहुत ज़्यादा होता है शीशे में दाग, हाथ बच्चे हैं ना घर में तो दीदी के तो हाथ वगैरह अपने शीशे में लगाते रहते हैं। तो इसलिए मैंने पर्दा इसमें खोल के पूरा पूरा वो कर दिया है, खेलने में जुटी रहती है तो इसी वजह से। मैं ये कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल सूट हैं लेकिन कम, बहुत मैंने सूट मैंने बहुत जल्दी जल्दी मेरे फटते हैं, पहनती हूँ पता नहीं कैसे क्या है मेरे साथ, मैं कपड़े बहुत जल्दी फाड़ती हूँ, बहुत जल्दी मेरे ख़त्म होते हैं कपड़े पहनने में। और ऐसे भी इसको छाँव वगैरह में सुखाओ तो फिर भी ये दिक्कत होता है, मतलब रंग वंग इसका उड़ जाता है। मैं कॉटन के कपड़े ज़्यादातर पहनती हूँ तो इसलिए रंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, गाँव में तो पूरा पक्का प्रॉब्लम होता है, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसको प्रेस करके रख देंगे, सारे कपड़े मैं प्रेस करूँगी। तो आगे के वीडियो में मुझे देखते रहिए।
हेलो नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मेरी प्रार्थना और दुआ हमेशा आपके साथ है और सबकी प्रार्थना और दुआ हमेशा आपके साथ है क्योंकि थोड़ा सा अटकती हूँ कि अगर आप लाइफ में अच्छा करते हैं तो आपके साथ जो भी हो रहा है लाइफ में वो शायद एक्सपीरियंस के लिए है कि आगे आप गलतियाँ ना करें या आगे वो सब चीज़ ना दोहराएं। तो इसी बात के साथ मैं अपने नए ब्लॉग का शुरुआत करती हूँ। और आज संडे है और आज मेरा खाने का मन था, मेरा नहीं सबका मतलब खाने का मन था, खिचड़ी खाने का मन था। वैसे सैटरडे को बनती है लेकिन खाने का मन था अभी गरम गरम दोपहर में। तो मम्मी ने रखा था माठा, सब तो माठा और खिचड़ी खा रहे हैं और चटनी खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। मैं और माठा नहीं खा रही हूँ, मैं खिचड़ी और वो आलू कद्दू की सब्जी खा रही मेरी। आलू कद्दू की सब्जी खाएंगे और खिचड़ी के साथ खाएंगे क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज और दोपहर हो चुका है, बज रहा होगा लगभग दो बज रहा होगा तो भूख लगी है। मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा। मोबाइल रखने में बहुत दिक्कत होता है मुझे, एक तो मेरे पास मोबाइल में स्टैंड नहीं है और ये चार्जिंग में भी लगा हुआ है तो इसलिए प्रॉब्लम होता है।